हेलो एवरीवन। तो इनको देख के किसी को अपने बचपन की याद आई। उफ, वो भारी भारी से बैग। तो आज हम जा रहे थे कहीं घूमने, तो फिर हमने सोचा पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि बिना पेट्रोल के तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो हमने पेट्रोल भरवाया और उसके बाद पिया हमने गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मी इतनी थी। और फिर हम निकल पड़े अपने मंजिल की ओर, वो भी सुहाने से रास्ते से। और आगे जाके हमको एक जगह दिखी जिसका नाम था खोला। मुझे ये नाम पढ़ के बहुत हंसी आई, क्योंकि ऐसा नाम कौन रखता है भाई, खोला। बट ये रास्ता और ये यहाँ के नज़ारे, ये कुछ ज़्यादा ही सुंदर थे। फिर हम पहुंच गए जहां हमको जाना था। तो आज हम जा रहे थे एक कैफ़े में जो काफ़ी ऊंचाई पे है, और यहां से बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे दिखते हैं। और इस कैफ़े का नाम है द सिटी व्यू रेस्टोरेंट। तो ये रहा ये कैफ़े, और इस कैफ़े में जाने के लिए हमको जाना पड़ता है नीचे की तरफ। यहाँ इन्होंने सीढ़ियाँ बना रखी है नीचे जाने के लिए, और इन्होंने यहाँ पूरे रास्ते पे नीचे जाते हुए काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से इस कैफ़े को सजा रखा है इन्होंने, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इस तरीके से यूज़ की है कि वो बहुत ही सुंदर लग रही है। और यह है इसकी एंट्री, और यहाँ एंट्री पर रखा है इन्होंने एक झूला जो बहुत प्यारा सा है। और इनकी पेंटिंग्स देख सकते हो आप, कितनी सुंदर तरीके से इन्होंने बना रखी है। ये जिसने भी बनाई है भाई, बहुत ही प्यारी बनाई है, बहुत सुंदर कला उस बंदे की जिसने भी ये बनाई है। इन्होंने यहाँ पे लूडो, चेस, काफी सारी चीजें रखी है ताकि कोई भी आए तो बोर ना हो बस यहाँ पे बैठ के। और आप यहाँ पे देख सकते हो ये पांडा, ये पता नहीं क्यों इतने गुस्से वाला बना रखा है इन्होंने। और जो आप ये बाहर का व्यू देख रहे हो कितना प्यारा, और आप मेरे हाथ में जो देख रहे हो ना, ये चीड़ के पेड़ पे उगता है। और इन्होंने इसको पूरा कलर करके डेकोरेट करके इसको बहुत सुंदर तरीके से रखा हुआ था। और बाहर का व्यू तो उफ क्या ही बताऊं ना। और बस फिर मैं बाहर आई तो बाहर देखो, इन्होंने इस टिन पे काफ़ी सारे इमोजी टाइप्स बना रखे हैं, कितना सुंदर लग रहा है ये। इन्होंने इस पे तुलसी के पेड़ उगा रखे हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं। और फिर मैं नीचे गई जल्दी जल्दी देखने के लिए कि अरे यहाँ पे तो कुआं भी है। पर जब मैं गई तो इस कुएं के ऊपर यहाँ पे ये बाल्टी रखी हुई है। मैंने सबसे पहले बाल्टी को देखा और बस यहाँ भी कूड़ा, लोगों को चैन नहीं है कहीं भी। और कुआं तो इतना गहरा था कि बस क्या ही बताऊँ। यहाँ पे भी देख सकते हो आप, सेम टिन है, इन पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और वही इमोजी बने हुए प्यारे प्यारे से। इसके बाद मेरी नज़र पड़ती इस दीवार की तरफ, जहाँ इन्होंने अपने रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा हुआ था, द सिटी व्यू रेस्टोरेंट। और देख सकते हो आप पोकेमोन, एवेंजर्स, काफी सारे कार्टून बहुत ही अच्छी तरीके से बना रखे थे। और ये ट्रक मुझे बहुत क्यूट लगा, जहाँ पे इन्होंने ऐसे स्विच बोर्ड लगा रखा था इस ट्रक के ऊपर, बहुत प्यारा है। और यहाँ पे बनाई ये बटरफ्लाई टाइप का कुछ पेंटिंग जिसपे लोग फोटो खिंचवाते हैं। और मैंने देखा नीचे झूला, अरे भाई झूला देख के तो मैं इतनी जल्दी जल्दी भाग के गई नीचे की तरफ, चलो भाई मैं भी झूला झूलूंगी। बट जब मैं गई तो मैंने देखा बेचारा झूला तो टूटा हुआ था। अब मैंने सोचा कि वैसे ना सही, ऐसे तो झूल ही सकती हूँ, तो बस फिर मैं भी झूल गई इस पे स्लाइड की तरह। और इस पे बड़ा मज़ा आया मुझे ऐसे झूलने के बाद, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैंने यहाँ से ये और नीचे का व्यू देखा, ये भी बड़ा अच्छा था। मेरा मन कर रहा था कि बस यहीं बैठ जाऊँ इसी व्यू में, मतलब कुछ भी बोलो, पहाड़ों पे आके सुकून तो बहुत ही ज़्यादा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, पर धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना, और अब मैं इतनी दूर आई थी तो हाँ भाई कुछ खाना तो बनता ही है ना। अब इतनी दूर आई हूँ तो बिना खाए थोड़े ना जाऊँगी। तो बस मैंने देखा फिर यहाँ का मेन्यू, मेरे दोस्तों ने भी देखा, उसके बाद हमने पूरा मेन्यू चार्ट डाला इन लोगों का। और फिर हमने काफ़ी सारी चीज़ें मंगाई खाने के लिए, क्योंकि इस पर बहुत कुछ था। वैसे फ़ास्ट फूड था, मेन कोर्स था, बट हाँ मेन कोर्स कौन खाता है जाने के बाद। तो हमने मंगाया फ़ास्ट फूड, और यहाँ का खाना और ये फ़ास्ट फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत टेस्टी था। और ये देखो रात का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। फिर हमने करी पेमेंट और बस टाइम हो चुका था, तो हम भी निकल पड़े घर की। और ये रहा रात का व्यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।